हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं मोड हमने पढ़ा था। मोड पर एक क्वेश्चन हम यहां देखते हैं। इसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी गायब है, ठीक। अब इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, बट हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, क्या? मोड 36 डीबी, ठीक है। और हमें इसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करना है। मोड 36 है ये हमें पता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब हमने कहा था मॉडल क्लास क्या होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो अभी तो सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नहीं, एक फ्रीक्वेंसी तो गायब है। हमें पता कैसे चलेगा कि यही फ्रीक्वेंसी है सबसे, या 16 अभी सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये कहना तो मुश्किल है ना कि 16 सबसे ज्यादा है, मोस्ट सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि f हो सकता है 16 से ज्यादा हो सकता है नहीं। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते अभी हमारा 16 सबसे ज्यादा है, इसीलिए 30-40 वाला क्लास इंटरवल। हम यहां पर देखें हमारे पास मोड क्या है 36। अब यह 36 किस वैल्यू के बीच लाइक, तो 36 30-40 के बीच आप, ठीक है। इसीलिए हम 36 यहां पर रख देंगे कि मॉडल क्लास हमारा 30-40 होगा, बिकॉज 36 लाइज बिटवीन 30 एंड 40। जो मॉडल क्लास होगा मॉडल क्लास में ही हमारा मोड लाइक करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मोड जो भी होगा हमेशा मॉडल क्लास में लाइक करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सिंस मोड इज 36 which lies between 30 and 40, so 30-40 is the modal class, ठीक है। 36 है जो 30-40 के बीच लाइक करेगा, इसीलिए मॉडल 36 30-40 है। ध्यान रखिएगा 16 सबसे ज्यादा है इसीलिए होगा, ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देते, यहाँ पर कुछ लिख देते, यहाँ पे वैल्यू दिया होता आपके पास, तब क्या करते, तब तो परेशानी क्रिएट होती है, तब तो कहना मुश्किल हो जाता कि यही होगा। इसीलिए इस बात को नहीं देखना है अभी आपको यही होगा क्योंकि यहाँ पर 16 है, नो गलत मेथड हो जाएगा। सॉल्यूशन तो अभी आपका सही निकल जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए सही नहीं, ठीक है। अब 30-40 हमारा मॉडल क्लास हो गया, एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 30। F1 इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास व्हिच इज गिवन, दैट इज व्हाट 60। F0 means what? Frequency of the class preceding model class. इससे जस्ट पहले क्या होगा, हमारे पास ये दिया ही नहीं है, F दिया है। और F2 frequency of the class succeeding model class 40-50, ये क्या हो गया 12। और क्लास साइज क्या होगा, H क्या है हमारे पास, देख लीजिए 40-30 is what 10, ठीक है। क्लास साइज कितना 10। अब मोड फाइंड करें, मोड इक्वल टू व्हाट, एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मोड का वैल्यू हमारे पास गिवन है 36, एल इज व्हाट 30 प्लस F1 इज 16 माइनस F1 2F1 मींस व्हाट 2 × 16 माइनस F0 F माइनस F2 12 इंटू H इज व्हाट 10, ठीक है। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं,
अब आप यहां से इसको वैल्यू पुट कर दिया हमने, यहां से कैलकुलेशन अब करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 36 माइनस 30 इक्वल टू 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 इज व्हाट 32 माइनस 8 माइनस 12 इंटू 10 ठीक। 36 माइनस 30 इज व्हाट 6, this implies 6 equal to 16 minus f by 32 minus f minus 12. 32 minus 12 is what? 20 minus f into 10. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको हम यहां ले आते हैं, सिक्स इंटू 20 माइनस एट इक्वल टू 10 इंटू 16 माइनस एट, ये चीज है ना। सिक्स इंटू 20 इज 120 माइनस 6 एफ इक्वल टू 10 इंटू 16 दैट इज 160 माइनस 10 एफ। क्लियर, अब एफ वाले को एक साथ रखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ रख देते हैं, तो जब 10 अब एफ हमारा राइट RHS से इसमें आ जाएगा तो 10 है माइनस 6 है इक्वल टू 160 माइनस 120। 10F माइनस 6F इज व्हाट, इट इज व्हाट 4F इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज F इज व्हाट 40 बाय 4 दैट इज 10 इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट कंसेप्ट आपको सीखना था एनसीईआरटी से, कंसेप्ट आपने सीखा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, और इस टाइप का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर पलट कर देख लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और स्पेशली एडवांस वाले तो जरूर कर लेंगे, बेसिक वाले मीन वाले क्वेश्चन करेंगे बेसिक फ्रीक्वेंसी का, और एडवांस वाले मीन मीडियम मोड तीनों करेंगे बेसिक फ्रीक्वेंसी का, एकदम वो कंपलसरी एक क्वेश्चन रहेगा रहेगा 100%, आप इसको मान के चलो। ठीक है, इसीलिए आपको कंप्लीट करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को और भी ढूंढो, परेशानी होती है तो मुझे आप फिर से कमेंट करो, इसका सॉल्यूशन फिर से मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दीजिए।